नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो आज हम बातें करेंगे प्रियांक शर्मा के बारे में। वही प्रियांक शर्मा जिसको आपने घर में देखा था, काफी लड़कियों के ऊपर उनका क्रेज था बिग बॉस के घर में आने के बाद। स्प्लिट्स विला में भी उन्होंने आपको आपने उन्हें देखा था। तो अब उनको मिले हैं बहुत सारे फिल्मों के ऑफर। जैसे कि लग रहा था कि बिग बॉस के घर में रहने से उन्होंने जिस तरह से लड़कियों के ऊपर गंदे गंदे कमेंट किए थे, तो उनको ऑफर्स नहीं मिलेंगे, उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, लाइक जो दिव्या का आना हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनको मिला एकता कपूर के शो से ऑफर और वो वेब सीरीज का ऑफर है। तो देखते हैं कि एकता कपूर के वेब सीरीज को वो करते हैं या नहीं। बट उनको मिला अभी करण जौहर का ऑफर। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, करण जौहर की मूवी के काम करने का ऑफर मिला है, जिसमें वो स्टोरी खुद ही लिखेंगे करण जौहर, और उनमें उसमें उनके साथ होंगे टाइगर श्रॉफ, प्रियांक शर्मा एंड अनन्या पांडे, ये तीनों उसमें होंगे। तो अब आप देखते हैं कि आपको ये मूवी कितनी पसंद आती है, प्रियांक किस तरह से एक्टिंग करते हैं और उनका कैरियर ऊपर जाता है या फिर वही के वही रुक जाता है। तो लेट्स सी, क्योंकि उनके ऊपर अभी बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, लाइक एकता कपूर, करण जौहर, विकास गुप्ता। विकास गुप्ता यस, जो कि ऑलरेडी एक प्रोड्यूसर है। तो लेट्स सी कि वो क्या क्या सक्सेस करते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपको देते हैं हमेशा की तरह लेटेस्ट न्यूज, जो भी अभी आ रहा है, जो भी आप, क्योंकि आप सब कुछ जानना चाहते हैं कि बिग बॉस से निकलने के बाद सब क्या क्या कर रहे हैं और किसको कौन से ऑफर मिल रहे हैं। तो बिग बॉस तो लोगों की लाइफ बदल देता है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड कमेंट करना ना भूले, तो हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।